नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑस एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि वीडियो के अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। शनिवार को ऐसा क्या करें कि भैरव जी को कर दे प्रसन्न, भैरव जी खुश हो जाएं, जो आपके सारे कष्टों को दूर कर दें। चलिए जानते हैं आपको क्या करना है। भैरव जी के मंदिर में जाकर उनसे अपने पापों की क्षमा मांगनी, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान है ही नहीं दुनिया में जिससे गलती ना होती हो। कुछ लोग अपनी गलती मानते नहीं हैं, सिर्फ दूसरों में से गलतियां निकालते हैं, लेकिन हर इंसान गलती करता है, हर एक इंसान गलती करता है। तो आपको क्या करना है, आपको भैरव जी के मंदिर में रविवार वाले दिन जाके अपने पापों की क्षमा मांगनी है। जुआ, सट्टा, शराब, धर्म की बुराई, शिक्षा, पूर्वजों का अपमान और ब्याज आदि कामों से आपको दूर रहना है, अगर आपको भैरव जी की कृपा चाहिए। शरीर के सभी छिद्रों को प्रतिदिन अच्छे से साफ रखें, यानी अच्छे से आपको नहाना है। बहुत लोग होते हैं जो नहाते ही नहीं है। ठंडियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, गर्मियों में भी बहुत लोगों की आदत होती है जो स्नान नहीं करते हैं। ऐसा करने से वो अपने ही ग्रहों को खराब करते हैं और अपने ही जीवन में मुसीबतें खुद ब खुद लाने के जिम्मेदार होते हैं। शनिवार के दिन एक छोटा काला पत्थर लाएं, इसे तिल के तेल में डुबोकर 7 बार, कितनी बार आपको तिल के तेल में डुबोना है, 7 बार अपने ऊपर से उतार लें। और अब इस पत्थर को बहते हुए पानी में डाल दें या दहकती हुई आँच में डाल दें। तो ये थे कुछ उपाय जो भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।